टमाटर की ये चटनी इंटरनेट पर बहुत टाइम से वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। और जब मैंने इसे घर पर बनाया ना, तो यकीन माने मेरे घर पर ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। इस चटनी के साथ आप एक से दो रोटी ज़्यादा ही खा लेंगे, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले एक तवे के ऊपर हम 2 चम्मच जितना सरसों का तेल डालेंगे। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो कोई भी अलग फ्लेवरलेस ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इस चटनी के लिए लेंगे एकदम लाल पके हुए टमाटर। टमाटर को अच्छे से साफ पानी से धो कर पोंछ लें। इसके बाद इसे इस तरीके से ऊपर से कट लगाएंगे। टमाटर को बीच से कट करने के बाद इसे इस तरीके से तवे के ऊपर सेट कर देंगे। इस चटनी को बनाने के लिए मैं टोटल 5 टमाटर का यूज़ कर रही हूँ। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी भी आपको चटनी बनानी है। सभी टमाटर को इसके ऊपर सेट कर देंगे और टमाटर के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक। इससे टमाटर जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से भुनेंगे भी, जिससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इन टमाटरों को भूनते समय गैस के फ्लेम को एकदम धीमा रखेंगे, जिससे टमाटर अच्छे से भुनेंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। जब सभी टमाटर एक साइड से हल्के से भुनने लगेंगे, तब हम इसे पलट देंगे और इसी तरीके से दोनों साइड से इस टमाटरों को अच्छे से भुनने देंगे। ये चटनी बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार होती है, तो अगर आप डेली वही नॉर्मल सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं ना, तो एक बार इस चटनी को ज़रूर ट्राई करके देखें। टमाटरों को दोनों साइड से अच्छे से भूनने के बाद बस अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आप देख सकते हैं टमाटर काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं। भुने हुए टमाटरों को हम एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो इसे एक बार अच्छे से ठंडा होने दें, बट मुझे तो इस चटनी को बनाने की जल्दी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैंने तो इन टमाटरों को गर्म गर्म ही छील लिया। तो टमाटर के ऊपर जो स्किन होती है ना, उसे हम इस तरीके से निकाल देंगे। सभी टमाटरों को अच्छे से छीलने के बाद अब हम इसे थोड़ा टाइम तक ठंडा होने देते हैं। तब तक हम इसके लिए एक सिंपल सा तड़का तैयार कर लेते हैं, जिससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसके लिए 2 से 3 चम्मच सरसों के तेल में 8 से 10 लहसुन की कली को एकदम धीमी धीमी आंच पर भून लेंगे, जब तक कि लहसुन अच्छा सॉफ्ट ना हो जाए। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट टमाटर के साथ भी भून सकते हैं, बट मुझे इस तरीके से अलग से तड़का लगाकर ज़्यादा टेस्टी लगी, तो मैंने ऐसे ही शेयर की है आपके साथ। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो इस पूरे लहसुन को टमाटर के ऊपर डाल देंगे और अब हम इन टमाटर और लहसुन को हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो स्पून से कर सकते हैं या फिर किसी चॉपर के अंदर भी डालकर कर सकती हैं, बट हाथों से इस तरीके से करेंगे ना, तो टमाटर हल्के हल्के मोटे रहते हैं, जिससे टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। टमाटर और लहसुन को अच्छे से मैश करने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़े से इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज, साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, नमक हमने पहले भी यूज़ किया है इसलिए थोड़ा ही डालें, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें 1/2 नींबू का रस डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसमें नींबू का रस ज़रूर डालें। बस डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और यह हमारी बहुत ही टेस्टी टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपने आज से पहले ये चटनी ट्राई नहीं की है, तो प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। आपको भी और आपकी फैमिली में सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने प्यारे प्यारे फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आज की सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो एक बार फिर से मिलेंगे हम इसी तरीके की एक और इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।